नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पटना से ग्राम विकास प्रभाग ने की अभियान की राज्य स्तरीय लॉन्चिंग। कृषि मंत्री माननीय अमरेंद्र प्रताप हुए शामिल। ब्रह्म कुमारी किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का करेगी पूंजी और प्रयास। गुजरात के सिनोर में किसान कल्प वृक्ष योजना के तहत सरकार का विशाल आयोजन। ब्रह्म कुमारी को निमंत्रण। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री प्रदीप सिंह परमार को बीके धरती नदी संस्था द्वारा किसानों के लिए चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी। गुरु पूर्णिमा पर वाराणसी के सारनाथ में सरकार द्वारा भव्य कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल हुई शामिल। ब्रह्म कुमारी सदस्य भी रहे मौजूद। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से की मुलाकात। और बुलेटिन में होंगे कल्पतरु प्रोजेक्ट के तहत आयोजित हुए वृक्षारोपण कार्यक्रमों की खबरें। अब खबरें विस्तार से। संस्था के ग्राम विकास प्रभाग और पटना के कंकड़बाग सेवा केंद्र के सहयोग से आत्मनिर्भर किसान अभियान की राज्य स्तरीय लॉन्चिंग की गई। पटना के महाराज गार्डन में आयोजित इस भव्य समारोह का उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री माननीय अमरेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम विकास प्रभाग के अध्यक्ष बीके सरला, उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के सहायक निदेशक बीके बद्री विशाल, पटना सब जोन प्रभारी बीके संगीत का समय शहर की जानी मानी हस्तियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए बीके सरला दीदी ने कहा कि खेती में अध्यात्म के समावेश से ही किसानों का जीवन आत्मनिर्भर और खुशहाल बनेगा। आगे मंत्री जी ने भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। तो वहीं बद्री विशाल ने शाश्वत योगिक खेती की प्रणाली की जानकारी देते हुए इसके प्रयोग से किसानों के अंदर कर्तव्य निष्ठा का भाव जागृत होने की बात कही। ऐसे ही गुजरात के सिनोर में किसान कल्प वृक्ष योजना के अंतर्गत खेती बाड़ी उत्पादन बाजार समिति एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस कमेटी के बैनर तले भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री प्रदीप सिंह परमार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, एपीएमसी सभापति सचिन पटेल, विधायक मधुभाई श्रीवास्तव शामिल हुए, जिनसे सिनोर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके धरती ने मुलाकात की और संस्था के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा किसानों के लिए चलाए जा रहे अभियानों की संक्षिप्त में जानकारी देते हुए ईश्वरी सौगात भेंट की। महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित सिविल हॉस्पिटल में साइबन में मधुबन बी के पाठशाला द्वारा 3 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन कोर्स का आयोजन हुआ, जिसका हॉस्पिटल के एडिशनल सिविल सर्जन डॉक्टर दर्शना धोंडे, आरएम डॉक्टर सोनाली बांगर समेत पूरे स्टाफ ने लाभ लिया। साइबन में मधुबन बीके पाठशाला की संचालिका बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया ने राजयोग मेडिटेशन तकनीक की विस्तार से जानकारी देते हुए सबको राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। शिविर के दौरान मिले सुखद अनुभवों को डॉक्टर्स और नर्सेस ने हमारे साथ साझा किया। अब कुछ खबरें गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी के सारनाथ स्थित बुद्धा थीम पार्क में सरकार और प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों बुद्ध अनुयायियों के साथ ब्रह्म कुमारी को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत कई राजनीतिक लोग उपस्थित रहे, जिनसे बीके सदस्यों ने मुलाकात की। ऐसे जोधपुर के शंकर नगर सेवा केंद्र द्वारा सिद्धनाथ मंदिर के प्रांगण में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका अवलोकन करने आए लोगों को बीके सदस्यों ने मुक्ति जीवन मुक्ति दाता निराकार परमात्मा शिव का वास्तविक परिचय दिया और वर्तमान समय परमात्मा द्वारा दिए जा रहे दिव्य ज्ञान की जानकारी दी। इसके साथ उन्होंने आध्यात्मिक पुस्तकों का स्टॉल भी लगाया। अब खबर राजकोट के पंचशील सोसाइटी सेवा केंद्र की, जहां आयोजित कार्यक्रम में गुजरात जोन प्रभारी बीके भारती दीदी ने परमात्मा क्यों सभी आत्माओं का सद्गुरु है और ब्रह्मा बाबा की पालना का क्या महत्व है, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। तो वहीं बीके सदस्यों ने भारती दीदी जी की महिमा में कुछ प्रस्तुतियां दी।
होता है सारा दूर, जीवन के बीच में जीना है सिखाता तू। दीदी हमारी कैसी, मम्मा पापा जैसी, दीदी हमारी कैसी, मम्मा पापा जैसी। ऐसे छत्तीसगढ़ के कोरबा में आयोजित कार्यक्रम में महापौर राजकिशोर प्रसाद भी शामिल हुए। टीपी नगर सेवा केंद्र पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुकमणी दीदी ने गुरु और सद्गुरु के बीच का अंतर स्पष्ट किया। तो वही महापौर जी ने संस्था के मुख्यालय माउंट आबू भ्रमण के अपने अनुभव साझा किए। गुरु लोग होते हैं मंत्र देते और शिव बाबा सतगुरु महामंत्र देता है और ये महामंत्र सबको सुना दो और वो गुरु लोग कहते मंत्र किसी को नहीं सुनाना और सुनाएंगे तो आपका वो पूरा नहीं होगा। और शिव बाबा सतगुरु हमें जो मंत्र दिया, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, मन मना भव मध्याजी भव, जाके हमने देखा किचन का, शांतिवन का, भाई इतना बड़ा आयोजन कैसे आप लोग कर लेते हैं, इतने लोगों का भोजन समय पर कैसे बना लेते हैं, कहाँ से इतनी कार्यक्षमता आपकी, इतनी कैसे। बोले हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सब बाबा करते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी बीके सदस्यों ने रुक्मणी दीदी का पुष्प भेंट करते हुए सम्मान किया। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के छतरपुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर और शाजापुर, गुजरात के शिनोर, वेस्ट बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रकृति के संरक्षण के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाया गया प्रोजेक्ट कल्प तरु के तहत गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र से जुड़े 100 सदस्य, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा विकसित मेजर शहीद विनोद राणा पार्क में एकत्र हुए और 7000 पौधों को रोपण किया। ये सिलसिला 2 दिन तक चला। यह पूरा कार्यक्रम पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल दीदी की प्रेरणा से आयोजित रहा, जिसमें आशीर्वाद सेवा संस्था के राष्ट्रीय महासचिव डीके गौतम, सुरक्षा मंत्रालय के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक दिलीप श्रीवास्तव, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजाता शर्मा, सीए संजय गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता, स्टर्लिंग एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड के महेंद्र कुमार थापर मुख्य रूप से उपस्थित रहे और अपना सहयोग दिया। ऐसे दिल्ली की मूनलाइट पार्क में ओम विहार सेवा केंद्र द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित रहा, जिसमें पार्षद रमेश माटियाला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला मुख्य रूप से मौजूद रही। बीके विमला ने इस दौरान सभी से कई प्रतिज्ञाएं कराई। इसी क्रम में देखिए खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा छत्रसाल नगर में कल्प तरु प्रोजेक्ट के तहत वृक्षारोपण किया गया, जिसमें पीडब्ल्यूडी इंजीनियर सुनील कुमार जैन, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष कमलेश शुक्ला, समाज सेवी एल आर पटेल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा, बीके रीना, बीके माधुरी मौजूद रहे। ऐसे वाराणसी के सारनाथ वन विभाग परिसर में ब्रह्मा कुमारीज और वन विभाग के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें चीफ कंजर्वेशन ऑफिसर एन रविंद्रा ने पौधे लगाने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। तो वहीं राजयोग शिक्षिका बीके तापोशी ने मानवीय आचरण का प्रकृति के ऊपर प्रभाव पड़ने की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधिका, सहायक वन संरक्षक राकेश कुमार, क्षेत्रीय वन अधिकारी पन्नालाल सोनकर, पार्षद सुरेंद्र राजभर भी मौजूद रहे। इसी क्रम में देखिए झलक मध्य प्रदेश के सारंगपुर, हरियाणा के सोनीपत और यूपी के बरेली की तस्वीरें, जहां कल तरु के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित हुए। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।